इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को पटना एम्स में भर्ती करवाया गया है। दरअसल उनको एक ऐसी दुर्लभ बीमारी हुई है जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बता दें कि जिस किसी को भी ये बीमारी होती है उसे ऐसा लगता है कि मानो उनके जिंदा शरीर में किसी ने आग लगा दिया हो। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने खुद इस बात की जानकारी अपने फेसबुक पर लाइव आकर दी है। वो आने वाले 7 दिनों तक पटना एम्स में ही रहेंगे। बता दें इस दौरान वो किसी से नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वो किसी से मिल नहीं सकते हैं। संजय जायसवाल ने जो कुछ भी कहा है वो बातें काफ़ी हैरान करने वाली थी। बता दें ये बीमारी काफ़ी गंभीर और जानलेवा है। आप संजय जायसवाल की पूरी बातों को सुनिए। सभी को नमस्कार। आप सबों के आशीर्वाद और शुभकामना से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कलकत्ता में ही मुझे 25 तारीख को बुखार हो गया था, लेकिन चूंकि मैं स्वयं जल संसाधन समिति का अध्यक्ष हूँ, इसलिए अपने कलकत्ता और गुवाहाटी के सभी दायित्वों को पूरा करके पटना आया। पटना आने के साथ तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यह एक बहुत ही रेयर बीमारी होती है, स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जिसमें आप ही का शरीर आपके खिलाफ काम करने लगता है और जितने तरह के चमड़े हैं, चाहे शरीर का हो या मुंह के भीतर आंख वगैरह का, आंत सबका इन्वॉल्वमेंट, सूजन और स्लफिंग होने लगता है। और इसको बीमारी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मुश्किल से 100 लोगों को इस एक दवा के रिएक्शन से होता है। पर पटना एम्स में दूसरे ही दिन मेरी बीमारी को डिटेक्ट कर लिया, जिसके कारण आज मैं तक लगातार 104 बुखार और पूरे दूसरे और दिक्कतों के कारण एम्स पटना में ही अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ। चूंकि सारे अपने लोक क्षेत्र में भी हर कोई मेरे लिए चिंतित है और हर कोई इधर आना चाहता है, अभी मुझसे मिलना मेरे लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेरा पूरा चमड़ा एक्सपोज्ड है और जब तक वो सब हील नहीं करता तब तक स्वस्थ नहीं होऊंगा। इसलिए अगले 7 दिन मैं किसी से भी नहीं मिल सकता हूँ और आप आके भी परेशान होंगे और मेरी मदद भी नहीं कर पाएंगे। एक हफ्ते में जब सब कुछ हील हो जाएगा तो मैं